हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय सुपरवाइज चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरे पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को मेकअप से किस तरीके से कवर करती हूँ, और साथ ही साथ कुर्ती में अगर आपको सिंपल और एलिगेंट फंक्शन के लिए इस तरीके का लुक चाहिए तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप मेरा स्किन कलर देख रहे हो, मेरा स्किन कलर येलो दिखता है इसलिए मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ, और आप यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, जो मैंने ब्लू हेवन का यूज किया है, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्राइमर है। तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो भी हम मेकअप का एप्लीकेशन करेंगे वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको ऑरेंज करेक्टर या फिर पीच करेक्टर यूज करना है। सो अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज कीजिए, अगर आपकी स्किन मीडियम है या फिर येलो अंडरटोन है तो आप पीच करेक्टर यूज कीजिएगा। बट आपको लग रहा होगा कि मैं तो ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ, बट यस, मैं आगे जाके उसको पीच कलर में कन्वर्ट करने वाली हूँ, वो आपको आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से ये करेक्टर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका शेड थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए मैंने ये फिट मी का फाउंडेशन लिया है, वो मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा रही हूँ, और वो भी मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका शेड थोड़ा सा माइल्ड या पीच कलर का चाहिए। आप चाहे तो इस करेक्टर का और थोड़ा सा फाउंडेशन का DIY बना के रख सकते हैं ताकि हर बार आपको दो चीज़ें लगाना ना पड़े, तो एक ही बारी में आप वो पीच करेक्टर लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने पैक का ये ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से मैं उसको ब्लेंड करूंगी। तो अब आप कलर डिफरेंस देख रहे हैं, ये ऑरेंज से पीच कलर में कन्वर्ट हो गया है और इसको मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्रश आपको ड्रैग नहीं करना है ज़्यादा, सो डैब डैब करके ही ये लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कंसीलर, और कंसीलर आपको येलो अंडरटोन वाला लेना है। तो ये पैक का टेक कवर कंसीलर है, तो ये जो कंसीलर है इसका शेड कैरेमल टच है और येलो अंडरटोन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे येलो अंडरटोन वाला कौन सा भी कंसीलर लगाया है, ज्यादा ब्राइट कलर मत लीजिए, तो येलो अंडरटोन होगा तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन अच्छे से कवर करता है। तो ये मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है, पैक का ये ब्रश है, कंसीलर ब्रश है, उसकी हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगाने वाली नहीं हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरा पूरा फेस अच्छे से कवर हो गया है और पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स पूरी तरीके से कवर हो गए हैं। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप किया है फेस को ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए और मेरा जो बेस है वो स्मूथ भी दिखे। तो अब यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट लेनी है या फिर लूज पाउडर लेनी है। यहाँ पे मैंने ये मेबिलिन फिटमी की कॉम्पैक्ट ली है जिसका शेड लाइट बीच कलर है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको लगा रही हूँ पूरे फेस पे। तो यहाँ पे मैंने आईब्रोज मेरे फिलअप किए हैं, यूरोप गर्ल का आईशेडो पैलेट मैंने यूज किया है। उसके बाद मैंने ये मेबिलिन का वी फेस कॉन्टोर किट लिया है और उसमें से तीनों शेड मिला के मैं इस तरीके से मेरे चिकबोन पे लगा रही हूँ। एक्चुअली हम जहाँ पे कॉन्टोर करते हैं उसके ऊपर आपको ये लगाना है, तो ये कॉन्टोरिंग का भी काम करेगा और ब्लश का भी काम करेगा। तो मैंने इस तरीके से उसको अपने चिकबोन पे अच्छे से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैंने ये लिक्विड आईलाइनर लिया है जो है के ब्यूटी का। और अगर आप लिक्विड आईलाइनर लेना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा है। इसकी टिप आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी फाइन टिप है और साथ ही साथ बहुत लंबी है, इसलिए ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैंने आई शेप का एक लाइनर बना लिया, उसके बाद मैंने विंग क्रिएट किया और हल्का सा थोड़ा सा उसको थिक किया है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ईजिली मेरा आईलाइनर लगा के हो गया है। अब यहाँ पे मैं लैक्मे की काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा फेवरेट काजल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं लगाऊंगी अपर वाटर लाइन पे और लोअर वाटर लाइन पे। तो यहाँ पे आईज शेप आप देख रहे हो, ज़्यादा भी विंग नहीं निकाला है तो इसलिए मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैंने ये लैश सेंसेशनल मस्कारा लिया मेबिलिन का, अपर लैशेस को 3-4 कोट लगाइए, लोअर लैशेस को लगाइए। और ये मस्कारा है, ये वाटर प्रूफ मस्कारा है, सो अगर आप फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है आपके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप पेंसिल ली है मेबिलिन की, हॉलीवुड रेड इसका शेड है। आपके पास एक तो रेड, पिंक और न्यूड कलर की लिप पेंसिल जरूर होनी चाहिए, तो ये लिप पेंसिल से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। उसके बाद ये जो है ये लैक्मे की लिपस्टिक है, सो ये मैट वाली लिपस्टिक है लैक्मे की, और इसका शेड मैपल मैप है, बहुत ही अच्छा न्यूड कलर है। तो मैंने लिप लाइन किए है उसके बाद ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ। उसके बाद जहाँ मैंने लिप्स लाइन किए हैं वहाँ भी ये मैं लिपस्टिक लगाऊंगी ताकि पूरे लिप्स एक जैसे ही लगे, ऑम्ब्रे इफेक्ट मुझे नहीं देना था। तो आप अभी देख रहे हो डिफरेंस, अच्छे से लिपस्टिक लग गई है।
ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने लिप लाइनर लगाया था और लिपस्टिक का कलर भी बहुत उभर के आ रहा है, तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देखना। और ये मेरा कुर्ती में इतना अच्छा सिंपल एलिगेंट मेकअप तैयार हो गया है, और ये फंक्शन के लिए आप कर सकते हैं, फेस्टिवल के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप देख रहे हैं मेरे डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। और इसके बाद एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गई कि मेकअप सेटिंग स्प्रे भी जरूर लगाना, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है बट मिस क्लेयर का मैट फिनिशिंग सेटिंग स्प्रे मैं यूज करती हूँ, वो आप जरूर लगा लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।